तो पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल का टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करें। सो दोस्तों, जैसा कि न्यू अपडेट आने के बाद, न्यू रूल आने के बाद यूट्यूब का, तो यूट्यूब सभी के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करके रखेंगे तो आपका चैनल का हैक होने का भी प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद आपका चैनल अगर मोनेटाइजेशन के लिए उसे आप भेजना चाहते हैं, तो आप जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन करके नहीं रखेंगे तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अगर आप सभी के पास एक यूट्यूब चैनल है 2023 में, तो आप सभी के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन इस समय अनिवार्य हो चुका है। तो कैसे करना है, चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको दो प्रोसेस बताऊंगा। पहला प्रोसेस आप देख लीजिए, अगर उस स्टेप से नहीं हो रहा है तो दूसरे प्रोसेस को आप लोग समझ लीजिए। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए वीडियो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए, तो आप सिंपली YT स्टूडियो ऐप से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरा स्टेप भी बताने वाला हूं। तो चलिए मैं यहां पर YT स्टूडियो ऐप से करके आपको दिखा देता हूं टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप मैं दिखाने वाला हूं। तो यहां पर YT स्टूडियो ऐप जैसे ओपन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड यहां पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद बिल्कुल न्यू चैनल है, मैंने अपने चैनल पे पहले ही टू स्टेप वेरिफिकेशन करके रखा था, इसलिए मैंने आप सभी को एक चैनल ओपन किया। इसके बाद मैं आप सभी को ट्रायल के लिए, एग्जांपल के लिए, मैं बताने के लिए मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली चले जाना है, ये जो अर्न वाला सेक्शन दिख रहा है, सभी को अर्न वाला सेक्शन मिल चुका है। तो अर्न वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, हेलो आपके चैनल का नेम आ जाएगा, जैसे कि SK स्मार्ट फैक्ट आ चुका है, तो कुछ इसी प्रकार से आपके चैनल का भी नेम आ जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब चलिए आइए नीचे एकदम लास्ट में, यहाँ पर कंप्लीट दिस बेसिक, तो सिंपली आपको क्या करना है, कंप्लीट बेसिक वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखना है कि इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कंपनी गाइडलाइन का, दोनों आपका यहाँ पर रेड नहीं होना चाहिए, दोनों आपका ग्रीन होना चाहिए। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपली टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक अलग से इंटरफेस ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इंटरफेस ओपन होता है, इसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड मांगा जाता है। सिंपली आप अपने चैनल का जो भी पासवर्ड आपने रखा है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है नेक्स्ट बटन, तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही पासवर्ड डाल पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन सिंस जनवरी आपका दिख जाएगा, जिस जनवरी को आपने ऑन किया है उसका डेट दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं किस मोबाइल फ़ोन में आपका टू स्टेप जो है मोबाइल फ़ोन लॉगिन है उसे भी देख सकते हैं, जैसे कि जीमेल आईडी जिस मोबाइल फ़ोन में मेरा लॉगिन है यहाँ पर दिख जाएगा। इस बार नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो वेरिफिकेशन के लिए आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो कौन सा है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ब्लर किया है। ये तो रहा आपका पहला स्टेप। अगर आपको सेकेंड स्टेप, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का, तो सिंपली सेकेंड स्टेप ये है, सेकेंड प्रोसेस आपको चले आना है बैक करके। यहाँ से आप सिंपली सब कुछ यहाँ पर बैक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद सेकेंड स्टेप है कि सिंपली आपको चले जाना है अपने जो जीमेल आईडी है आपका, यहाँ पर जिसमें जीमेल आपका आता है उसी जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काफ़ी कमाल की वीडियो है दोस्तों, जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने जो है इस जीमेल आईडी का टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, तो यहाँ पर मेरे पास मेल भी आ जाता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर जो है कंप्लीटली ऑन हो चुका है। तो सिंपली आपका अगर नहीं इस तरीके से हो रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जीमेल आईडी ओपन करना है। इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आप तो यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल जीमेल आईडी है, तो आपका जो भी जीमेल आईडी उस पर आपको सेलेक्ट करना है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक जीमेल आईडी इस पर ये क्लिक करके दिखा देता हूँ, एक जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैंने इस जीमेल आईडी पर क्लिक किया, तो इस जीमेल आईडी पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो सिंपली मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद यहाँ पर एक जो है आपके जीमेल आईडी का पूरा यहाँ पर यूजर नेम खुलकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे होम, पर्सनल, डाटा एंड प्राइवेसी। सिंपली आपको इस तरफ स्क्रॉल करना है, तो जैसा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, डाटा प्राइवेसी के आगे ही आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो सिंपली मैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑफ दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल रहा है,
आप यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए दूसरा तरीका है। तो सिंपली इस पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा अपने जीमेल आईडी का, नहीं है तो आप फॉरगेट कर लीजिए, अगर मान लीजिए रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है तो भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो सिंपली ये मेरा पासवर्ड मैं डालने के बाद यहाँ पर वेरीफिकेशन भेजा जा रहा है आपके मोबाइल फ़ोन में कि आप टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन में वेरीफिकेशन जाएगा। इसके बाद जैसे उसे डाल देंगे वैसे ही यहाँ पर सेंड वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर OTP फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसे डालकर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन हो जाएगा, ये जो कि आपका सेकंड तरीका था। तो कुछ इसी तरीके से आप अपने चैनल के टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और अपने चैनल को सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना है इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।